के पराठों पर तो बटर ऐसे चिपका रहता है जैसे मैग्नेट पर मेटल चिपका हो। सही कहा भतीजे तुमने, मैग्नेट ही तो है मेरा नया आविष्कार। कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मेरा नया आविष्कार किसी को भी मैग्नेट मैन बना सकता है। यह है एक मैग्नेटिक बैंड, इसे जो भी अपनी कलाई पर पहनेगा उसमें मैग्नेटिक पावर्स आ जाएंगे। ओए वाह खोजी सिंह जी, और जरा ट्राई तो करें आपका नया आविष्कार। ओ जी ये क्या, ये तो फिट ही नहीं हो रहा है। लो जी, मैंने इस मैग्नेटिक बैंड को फिट कर दिया, यानी लॉक कर दिया। ओए ओए अब क्या होगा खोजी सिंह जी? इन बर्तनों की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा, और निकालो इन्हें मेरे शरीर पर से। इन बर्तनों को खींचने का कोई फायदा नहीं, हमें चाचू की कलाई से ये मैग्नेट बैंड निकालना होगा। खोजी अंकल, इस मैग्नेट बैंड की चाबी देना। हाँ चाबी ये लो। चाबी कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने चाबी कहाँ रख दी। क्या वो चाबी नहीं मिल रही, अब मेरा क्या होगा? वो इस मैग्नेट बैंड को किसी भी तरह से निकालो और कुछ तो करो। चिंचे, ये मैग्नेट बैंड चाचा चोरी करने में हमारे बहुत काम आ सकता है। तो फिर देर किस बात की, चाचा को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं। शिकार जाल में फंस गया है। आए भतीजे, आए बचा। टाटा, सी यू, बाय बाय। हेलो बंदूकी जी, चाचू किडनैप हो गए हैं, जल्दी आइए। क्या? ओ मैं अभी आई। बहादुर, जीप निकाल। चिंचे, आइडिया, गाड़ी घुमा के चाचा को शटर के पास ले जाते हैं। ओए चाचे, हमारी गैंग में आपका स्वागत है। थैंक्स चाचा। भतीजे, तू हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, पर अब चाचा ही लाएगा भतीजे के रास्ते में पत्थर। वाह चिंचे, तुम तो कमाल हो। ये क्या हो रहा है? बच गया। ओए भैयो, कौन सा हर्डल रेस है? बहादुर, कितनी बार तन्ने कहा है ब्रेक धीरे लगा, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मुझे चाचू को बचाना ही होगा। ओ वाह भतीजे, ये
दिमाग लगाया चाचे को बचाने का। भतीजे के होते चाचू को कुछ हो सकता है क्या? अरे चाचू अब जरा संभाल के मेटल वाली चीजों से दूर ही रहना। ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हो। मैं तो आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। ओए पक्के हो गया? ओ चाचे तू पहले तो लोहे से चिपक रहा था, अब जमीन से चिपक रहा से। बहादुर जल्दी से रस्सी ला। ओए मैं सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूँ, जमीन से अलग नहीं हो रहा। समझ गया, लगता है जमीन के नीचे कोई लोहे की खान है, और क्योंकि चाचू मैग्नेट मैन बन गए हैं, इसलिए वो इस जगह पर चिपक गए हैं। ओह याद आया, सदियों पहले वंटूश नगर में लोहे की खान हुआ करती थी, पर इतने सालों में उसका अता पता गायब हो गया। आज चाचा ने उस लोहे की खान को फिर ढूंढ निकाला है। अगर हमें यह लोहा मिल जाए तो फंटूश नगर के विकास में काम आएगा। आइडिया, अब मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। बहादुर अंकल मेरे साथ आइए। मैं बच गया। ओ नो नो, ओ नॉट अगेन। रब्बा भतीजे, तूने तो एक तीर से दो शिकार कर लिए, चाचे को भी छुड़ा लिया और गड़ा हुआ लोहा भी बाहर निकाल लिया। चिचे, चाचा के शरीर पर चिपका हुआ लोहा अगर हम चुरा ले तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो चल पूरे के पूरे चाचा को ही चुरा लेते हैं। ओए ये दोनों फिर से आ गए। नहीं ओए भतीजे, अब मुझे फिर से इनके साथ फंटूश नगर की सैर पर नहीं जाना। ओए मुझे बचा ले। अरे ये तो बलवंत के साथ भाग गए। भतीजे कुछ कर। जी अंकल, ये आपके गले में चाबी किसकी है? अरे हाँ भतीजे, ये किस चीज की चाबी है? अरे अरे वाह भतीजे, ये तो उसी मैग्नेट बैंड की चाबी है। रखो जी, चाबी सारे वक्त तेरे पास ही थी और तेरी वजह से हम यहाँ पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे। फायदा है ना? दीजिए अपनी लात का कमाल और इस ड्रम को ऐसी लात मारिए कि वो सीधे चाचू तक पहुँचे। और लात की बात हो तो बंदूक भी कभी पीछे नहीं हटती। ओए भतीजे, वो तू मेरे लिए यहाँ तक आ गया पर मेरी वजह से तू भी फंस गया। चाचू देखो मैं क्या लाया हूँ। ओए चाबी, उस चाबी से कौन सी तिजोरी खोलनी है? तिजोरी नहीं, आपका लॉक खोलना है। सब चला गया, लोहा भी और चाचा भी। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भाग जिज्जे भाग। मेरे चाचू को इतना परेशान करने के बाद तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। बहुत शौक है ना आपको मेडल चुराने का? अब ये लो भतीजे का गिफ्ट। ये क्या है? अब देखो मेरे मेटल हैट का कमाल। ओए
जाके तेरा आविष्कार काम आया है। चोरों को पकड़ने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। हमें जाने दो मैडम जी, हमने तो कुछ चुराया ही नहीं। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, जाने तो दूंगी लेकिन सीधा जेल में। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़क की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। बहादुर, ये क्या हो रहा है यार? क्या बताओ चाचा, मैडम जी को एक मेडल जीतने की उम्मीद थी पर वो हार गई, इसीलिए उनका मूड बहुत खराब है और वो गुस्से में हर चीज यहाँ वहाँ फेंक रही है। आइए देखते हैं। कोई बंदूकनी जी, ये क्या हाल बना रखा है? और क्या करूं चाचे, मैं चाह कर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। मन में आ रहा है कि हर किसी को लात मारूं। मेरे पास एक आइडिया है दिमाग को ठंडा रखने का। बंदूकनी जी, मैं आपको एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ, इससे आपको राहत मिलेगी। अपनी आँखें बंद कीजिए और सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यस, ऐसे ही, बहुत अच्छे। आप ये 2 मिनट तक करते रहिए। जी, दिमाग को ठंडा रखने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये मेरे सर पर बर्फ कैसे आ गिरी? क्या मैं चैन से सांस भी नहीं ले सकती? ओए भतीजे, ओए बचा ले। Breathe in, breathe out. चाचा, अब क्या नया आइडिया लाए हो? आपके पहले आइडिया ने तो आपको मुफ्त में फंटूष नगर की सैर करवा दी। इस बार संभल के, अगर मैडम जी फिर से गुस्सा हो गई ना तो कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। ओए घबरा मत बहादुर, वो इस बार मेरा आइडिया काम करेगा। बंदूकनी जी, यहाँ ऊंचाई पे खड़े होके ना आप जोर जोर से चिल्लाइए, आपके अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकल जाएगा और फिर आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अच्छा, ये काम करेगा तो ठीक है। मैंने कहा था ना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मुझे अपना हाथ दीजिए जल्दी। रुकिए, मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ। गया चाचे, सारे आइडियाज हमारे गुस्से को कम करने के बजाय और बढ़ाए जा रहे हैं। लगता है मैं सही वक्त पर पहुंच गया। भतीजे ने मुझे आपके गुस्से के बारे में बताया और मैं आपके लिए लाया हूँ एक गुस्सा उड़न छू टैबलेट, जिसे खाते ही आपका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ए
नसीब कहीं जाकर मारे दिमाग को शांति मिली। बहादुर जीप निकाल। इतने प्यार से तुम मैडम जी ने आज तक जीप निकालने को नहीं कहा। बांटने से खुशी बढ़ती है चाचा। लाओ अपना पराठा हमें दो। मैडम जी, ये डंका हमें कब से परेशान कर रहा है, मारो इसे। बहादुर, नो लड़ाई नो झगड़ा। और पराठा ही तो मांग रहे से, दे दो। एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आवे से, हैं? ये लो, मेरे पराठे भी ले लो। ओए ये क्या, बंदूकनी जी का गुस्सा तो परमानेंटली उड़न छू हो गया। ढोलके, बंदूकनी जी गुस्सा नहीं होने वाले तो हमें कौन रोकेगा। बंदूकनी जी, आपके राज में दिन दहाड़े चोरी। ओ बंदूकनी जी, बता दो इनको कि कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई नहीं बच सकता। ओहो, बंदूकनी जी का गुस्सा क्या गायब हुआ, जैसे चोरों की तो निकल पड़ी। फिलहाल मुझे ही कुछ करना होगा। आइडिया, डंका ढोलकी अंकल, अब से पूरा फंटूश नगर तुमसे डरेगा। अब मिमिक्री अंकल, इनके लिए वो स्पेशल वाला पराठा लाइए। आओ डंका अंकल, यहाँ बैठो। आज तो भतीजे ने भी मान लिया कि सारा फंटोश नगर डंका ढोलकी से डरता है। ढोलकी, मैं इस कुर्सी पर चिपक गया हूँ, निकालो इसे। ये भतीजा क्या कर रहा है? मैडम जी, आपके राज में यह गलत हो रहा है। आप पुलिस हो और पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना। बचाओ हमें, बचाओ। अरे बच्चा है, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। ढोलकी बचाओ। जे वो देखो मैडम जी, वो जीप चुरा ले गया। रल्ले जाने दे, एक जीप जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। बस बहुत हो गया, इससे तो अच्छी मेरी पुरानी गुस्से वाली मैडम जी थी। हमें बंदूकनी जी को जल्दी वापस अपने पुराने गुस्से वाले रूप में लाना होगा, वरना फंटूश नगर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बंदूकनी जी, क्या आपको याद है कि आप मेडल हार गई? ये बात सोचकर आपको गुस्सा नहीं आता? ओ, हार जीत तो लगी रहती है चाचे, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ला 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 ला। बंदूकनी जी, याद कीजिए, आपकी लात की चर्चा पूरे फंटूश नगर में फेमस है। आइडिया, सिर्फ एक चीज बंदूकनी जी को गुस्सा दिला सकती है, उनके मेकअप के साथ छेड़खानी। चाचू, स्कूटर को तेज भगाइए। हम सेरेस हार जाओगे। चाचू, अब स्कूटर को रोकिए, ठीक जीप के पीछे। ओहो, ये देखिए बंदूकनी जी, डंका ढोलकी ने आपके चेहरे को क्या हाल कर दिया। देखिए देखिए, बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। मैं इन डंका ढोलकी को छोड़ूंगी नहीं। चिंचे, लगता है बंदूक ने अपने गुस्से वाले अवतार में वापस आ गई।
कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। वाह वाह, बंदूकनी जी वापस आ गई। ब्रेक। थैंक यू चाचा भतीजा। मैडम जी। हाँ? बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, हमेशा हमारा मेकअप खराब करने की हरकतें करता रहता है। मैडम जी, आपके इस डायलॉग को सुनने के लिए कान तरस गए थे।